स्वागत है अब इस नवी वीडियो में। कनाडा विस्टर वीजा जो अप्लाई करना है, ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। क्यों चल रहा है? गलबात देखोगे तुम वीडियो एंड तक देखोगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। असं अपने केसिस के उपर ही मैं थोड़ा डिस्कस करा जो हूँ सिनेरियो चल रहे हैं। अपलाई करना चाहते हो कैनेडा विस्टर वीजा, टूरिस्ट वीजा या किसी भी कंट्री का अपलाई करना चाहते हो वीजा, तो 90-410-90-410 से कॉल कर सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो, जलंधर लुधियाना अमृतसर आके मिल सकते हो। सो कैनेडा विस्टर वीजा पॉजिटिव ट्रेंड जेडे आ फुल फ्लैज चल रहे हैं। मैं लास्ट वीक रिजल्ट लैके वीडियो शेयर की सी, उस तो बाद भी रिजल्ट रैगूलर आ रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकली भी गल करिए इस वेले, मैं अज जो रीसेंट रिजल्ट आया जो कल का रिजल्ट है मैं उही डिस्कस कर लेना। फैमिली है, फार्मर फैमिली है, उन्होंने अपलाई किया है। जो मैं परपज ऑफ विजिट में लैके कहना ना, तो कई एप्लीकेंट होंगे ने जी बर्थडे पार्टी रखवा लें, उत्थे कोई ना कोई गैट टूगैदर रखवा लें, तुम रखवा सकते हो। बट ये जो रीजन होंगे ने, अगर तुम नॉर्मल भी कहने किसी फैमिली मैंबर को मिलने चलने हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तुम मिलने जा सकते हो। बट जो रीजन वो होंगे ने जो दोबारा कभी नहीं होने, हमेशा ध्यान देना, जो रीजन दोबारा कभी नहीं होने, मैं पहले जिक्र किया रीजन सॉलिड काउंट कर सकते हो। सब तो ज्यादा एक अभी बार होना, जिदा किसी का ब्याह वगैरह हो गया, तो इनविटेशन के एंगल तो प्रोफाइल भी मैटर करता, तो वापस आने का रीजन भी मैटर करता, फुल फैमिली भी केस लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रोफाइल टू प्रोफाइल, असं तो ही सुजैसट करा। सो जो रीसेंट भी आया, सो एप्लीकेंट से उन्होंने सिस्टर की मैरिज सी कैनेडा के, इतने फार्मर से, वाइफ के बच्चे के नाल अपलाई किया। रिजल्ट को लैके भी कई बार पुराने एप्लीकेंट वेट कर रहे थे, नवे रिजल्ट इतनी फास्ट आ जाता कि सानू भी हैरानी होती है। 20 जनवरी के आसपास फाइल लगी है, 20 जनवरी के आसपास फाइल लगी है, बायोमैट्रिक होंगे ने 31 जनवरी, जी हाँ 31 जनवरी बायोमैट्रिक होंगे ने। बायोमैट्रिक होने तो बाद जो रिजल्ट है वो इंडिया के हिसाब न 3 तरीक की रात में इशू हो जाता, मतलब 4 तरीक न आ गया। सो एक दिन पहला का है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा उस तो एक दिन पहला का है। सो रिजल्ट जोड़ा है किन्ने दिन बाद है? 3-4 दिन के बाद, मतलब इन्ने फास्ट भी IRCC रिजल्ट दे रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक नवा सिस्टम इंप्लीमेंट करता सीगा, जो रो रिस्क एप्लीकेंट होंगे ने जहाँ जिन्होंने लगता है कि स्ट्रीमलाइन केस, उन्होंने फास्ट प्रोसैस कर देंगे। तो तुम नोट करना, मैं साढ़े केस नहीं कह रहे, मैं पहला भी PPR शेयर कितिया जिसे 23-24 जनवरी के आसपास रिजल्ट से, 25 जनवरी, 26-27 जनवरी रिजल्ट से, उस तो बाद भी रिजल्ट आए हैं। तो रीसेंटली मैं थोड़े ने शेयर कराया, मतलब रिजल्ट जोड़े ने फुल फ्लैज आ रहे हैं, फास्ट आ रहे हैं नवी एप्लीकेशन के उपर। पुराने का जो क्यू है वो IRCC स्लोली स्लोली प्रोसैस कर रहा है, क्योंकि साड़ी एप्लीकेशन भी लगियां ने पुराने जो रिजल्ट स्लो ने, नवियां रिजल्ट फास्ट आ रहे। मतलब यद मतलब यही है कि आप सोचिए कि आप दोबारा तो फाइल लगा ली तो रिजल्ट फास्ट आ जाएगा। कंप्लीकेशन भी आप बता नहीं सकते, क्योंकि जो पुरानी फाइल लगी है तुम नवी लाने चेंज करते हो, तो पुरानी फाइल भी देखते कि उसके कितने डॉक्यूमेंट लगे से, कुछ चेंज करके तो नहीं लगाया, तो वो करके कई बार नवी के चक्कर हो डिले भी हो सकता है। बट यस, ये जरूर है कि अगले 2-4 महीनों के IRCC पेंडेंसी खत्म करने के मूड हैगा है, चाहे पुरानी एप्लीकेशन है नवी जो इकट्ठी नहीं हो दे रहा बैलेंस। हाँ, ये गरंटी नहीं मैं कह सकता कि हर एक का 10 दिन रिजल्ट आ जाऊगा, बट जिथे केस टीम ने लगता IRCC में जो पहला ट्रैवल किए हुए हैं इदा के केसिस के रिजल्ट आने वाले टाइम से बहुत जल्दी देखने को मिलने। सो पॉजिटिव टाइम है जी, कैनेडा अपलाई किया जा सकता है। अपलाई करना तो वीजा ऑफिस की टीम 90-410-90-410 से कॉल कर सकते हो, साढ़े ऑफिस आके मिलना चाहते हो लुधियाना अमृतसर जलंधर आके भी मिल सकते हो। सो होर जानकारी चैनल जुड़े रहो, अज भी इन्ना ही, धन्यवाद।